चलिए मित्रों, आज हम सभी लोग एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है जिसमें एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज करके दिखाएंगे। कैसे न्यूट्रलाइज होता है ये हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ते रहते हैं क्लास 7 में, क्लास 8 में, क्लास 9 में, 10 में, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन को कभी देखे नहीं होंगे। आज आपको दिखाते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है ये। सबसे पहले ये है विनेगर, एसिटिक एसिड, और इसको हम लोग थोड़ा सा वाटर पहले से मैंने ले लिया है, और इस विनेगर को हम इसमें डालते हैं। कभी भी एसिड को अगर डाइल्यूट कर रहे हैं आप, तो पहले वाटर और वाटर में एसिड को ऐड करेंगे, न कि एसिड में वाटर को। अब इसके बाद हम लोग बेस, इस टेस्ट में नॉर्मल टैप वाटर है, इसमें हम सभी लोग बेस का कुछ लेंगे। हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में जाना जाता है। इसके कुछ टैबलेट्स, छोटे छोटे टैबलेट्स हैं, इसको ले लेते हैं। अब दोनों को ठीक से डिजॉल्व कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, इस तरफ है एसिड और इस तरफ है बेस, इसमें है बेस। अब इनको चेक करने के लिए हम एक सॉल्यूशन लाते हैं, जो एक आर्टिफिशियल सॉल्यूशन है, सिंथेटिक इंडिकेटर कह सकते हैं, फिनोल्फथलीन। ये है फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन। आइए हम चेक करते हैं। सबसे पहले इस फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन को हम एसिड में ऐड करते हैं। अब देखेंगे कोई कलर परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जैसे इसको हम बेस में, इस बेस में ऐड करेंगे, इसमें एक चेंज होगा। वाह, ये कलर। ये किसके कारण हुआ? इंडिकेटर के कारण। और वो इंडिकेटर कौन सा है? फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन। तो ये हमारा हो गया जादू। अब हम इसको न्यूट्रलाइज करने जा रहे हैं। एक तरफ है बेस और एक तरफ है एसिड। अब हम इस एसिड को इसमें मिलाएंगे। आप एकदम देखेंगे, पूरी तरह कलरलेस हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आज भर के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।